हे गाइस एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ कटरा वैष्णो देवी ब्लॉग। और हम ठहरे थे यहाँ पे रॉयल रिजॉर्ट में और यहाँ पे हैं अमन शर्मा जी, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, कल रात में भी हेल्प की और अभी भी हेल्प कर रहे हैं। और सारे ग्रुप तैयार हैं, आप लोग देख सकते हैं। जय माता दी। कब से उपवास है, बेचारे को खिलाया जा रहा है। बगुला महाराज देख रहे हैं कितना कैसा है। हंस टेस्ट अच्छा है, जबरदस्त। इसका नाम हंस है, इसका नाम दोस्तों हंस है। और इसे हमें 2-3 नाम से भी पुकारते हैं। एक तो कमिंस है और दूसरा इसे प्यार से हम बगुला महाराज भी कहा करते हैं और कंसा भी बोला करते हैं। थोड़ा सा भड़कता है इन नामों पर क्या करें दोस्तों, हमारा ही है ना, है ना बगुला महाराज। हम लोग यहाँ कटरा बस स्टैंड और यहीं से हमारी कटेगी टिकट वैष्णो देवी माता चढ़ने के लिए। यहाँ जो बस स्टैंड है, आपको इस बस स्टैंड पे एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर होता है, आप वहाँ से अपनी टिकट लोगे और फिर आगे बढ़ोगे चढ़ाई करने के लिए। तो चलिए टिकट लेते हैं। छोड़ो इसे, कितने का है? 10 का 4। 10 का 4 है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रीति नाम है। ऐसा है बाबू, हमने तो ले लिया है, आप कैसे ले? ये जो सड़क है दोस्तों जिसपे अभी हम लोग टहल रहे हैं, ये आपको बस स्टैंड जहाँ से हमने अपना यात्रा रिजर्वेशन का बुकिंग कराया, वहाँ से ऑलमोस्ट 1-1.5-2 किलोमीटर के आसपास का है। ये दोस्तों लाइन यहाँ आपकी होगी सामान की चेकिंग और इसके बाद आप करेंगे अपनी जर्नी स्टार्ट। यहाँ एक्सरे मशीन है, कोई भी तरह का नशीला पदार्थ या कोई भी तरह का आपत्तिजनक सामान आप नहीं लेके जा सकते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो आप लोग भी अगर बीड़ी सिगरेट गुटखा या ऐसा कुछ लेके जाना चाह रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि चेकिंग में वो सब बाहर कर दिए जाते हैं। आकाश ने लिया है, बैग में इसके खैनी है। तो एक्सरे मशीन यहाँ पे होती है आपके सामान की, तो ये भी फैसिलिटीज अवेलेबल है दोस्तों। आप लोग अगर नहीं चढ़ पाएंगे या फिर आपको घोड़ा या घोड़े की सवारी चाहिए तो आप यहाँ से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और आप पूरी यात्रा इस घोड़े पे बैठ के कर सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए होती हैं ऐसी, छोटे बच्चे जितने गोद में हैं उन्हें आप उसमें रख सकते हैं। और ये पालकी भी रहती है। लोग पालकियों में बैठ के जाते हैं, 4 जन लगते हैं ऐसे पालकियों को खींचने में। चल रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस झरने में नहाने। स्नान घाट है पहला स्नान घाट हमने छोड़ दिया था, ये दूसरा है। और यहाँ नहा लेते हैं, उसके बाद चढ़ेंगे, थोड़ा सा तरोताज़ा भी हो जाएंगे और मज़ा भी आ जाएगा। तो कितनी रफ्तार से पानी आ रही है, आप इसे देखिए और फील कीजिए। ये देखिए, इसमें अगर कोई अनबैलेंस हो जा रहा है तो सीधे चला जाएगा नीचे, इसलिए थोड़ा सा संभल के। और बहुत ही ठंडा पानी है, ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल सा पानी है, पानी ठंडा है। लेते हैं डुबकी। बहुत मजा है दोस्तों। आप लोग भी अगर ऐसे सीजन में आ रहे हैं, ठंड नहीं है तो इसमें नहाने का मजा कुछ और ही है। बहुत ठंडा पानी। दोस्तों बहुत मजा आया नहा कर। चलिए इनसे भी रिव्यू लेते हैं। बहुत ही ठंडा और शुद्ध जल है यहाँ पर। ये आरओ का भी पानी एकदम शुद्ध है, प्योर एल्कलाइन वाटर नेचुरल। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रही है व्हाइट वाली, ये अर्धकुमारी है। तो ये हमारी अगली स्टॉप होगी। देखिए पूरी घाटी के बीच से आ रही है पानी। और ये बादल को देखिए आप लोग, पहाड़ों पे कैसे बादल छाए हुए हैं। तो चलने में बहुत सांस फूलती है दोस्तों। ना आप ऊपर चढ़ते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। ये देखिए, ये है शहर कटरा। और यहाँ से इस वैली की व्यू देखिए, त्रिकुट पहाड़ी। और रात में दोस्तों देखने में से और मज़ा आता है क्योंकि ये रात में चमकता है ऊपर से। वेदर देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं। देख सकते हो कि मेरा थोड़ा पसीना ज़्यादा आता है, मैं पसीने से लथपथ हो गया। और यहाँ का सीनरी काफ़ी रिफ्रेशिंग हेरिटेज। दोस्तों पहुंच गए हम लोग अर्धकुमारी, यानी कि 6 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से। और यहाँ कुछ देर रेस्ट करेंगे, आपको व्यू दिखाएंगे यहाँ का, और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये बैठे हैं बजरंगबली, देखिएगा। ये देखिए भाई, इधर का सीन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कलेक्टिव व्यू इसका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, लग रहा है जैसे ये स्माइल कर रही हैं। एक बार जरा छू के देखता हूँ। ये दोस्तों अर्धकुमारी। यहाँ पे थोड़ा सा लोग रेस्ट लेते हैं। और एक गुफा है जी, जो पतली सी गुफा है। और ये लोग भी बैठे हुए हैं हमारे बगुला महाराज के साथ। दोस्तों अर्धकुमारी से ऊपर का सिनेरियो दिखाता हूँ, देखिए जरा। ये देखो, ये देखो, है ना जन्नत। अब इधर का देखो, पहाड़ी में बीच में एक रास्ता है जो महादेव के मंदिर तक जाता है। आप लोग शायद देख पाएंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना किले जैसा, तो सेंटर में वो है आपको महादेव का मंदिर। इधर से लौटूंगा तो कोशिश करूंगा वहाँ भी जाऊँ। और ये दोस्तों हमारा खाना, नान, राजमा, मसाला डोसा एंड राजमा चावल। और ये रही पीछे की सिनेरियो। और ये रहे दोस्तों हम लोग पेट पूजा करते हुए। हमने माँ अर्धकुमारी का रास्ता सम्पन्न किया और माता रानी का दर्शन करते हुए निकले हैं। यहाँ से लगभग माता रानी का 8 से 9 किलोमीटर पड़ेगा। जय माता दी, प्रेम से बोल रहे जय माता।